रूस का मून मिशन फेल हो चुका है। लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें अब भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। इनमें रूस के लोग भी शामिल हैं। रूस के लोगों ने बकायदा चंद्रयान 3 को लेकर ट्वीट भी किए हैं। इस ट्वीट को देखिए जिसमें लिखा है, ग्रेट वर्क इसरो, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। ये ट्वीट किया है कात्या लुशेंको ने। ये रूस के रहने वाले हैं और स्पेस संबंधी चीजों में काफी रुचि रखते हैं। वहीं एक ट्वीट किया है क्रिस हैटफील्ड ने, जो खुद कैनेडियन स्पेस एजेंसी में एक एस्ट्रोनॉट हैं। उन्होंने लिखा है कि लूना 25 को दुर्घटनाग्रस्त होते देखना सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और खोजकर्ताओं के लिए बहुत निराशाजनक है। अब सभी की निगाहें भारत पर हैं, जो 3 दिनों में दक्षिणी चंद्रमा पर उतरने का प्रयास कर रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से मार्कस हाउस ट्वीट करते हैं, लूना 25 मिशन चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग कर चुका है। अब उम्मीद है कि हम कुछ दिनों में चंद्रयान 3 को सुरक्षित रूप से लॉन्च होते देखेंगे। अमेरिका से माइकल गॉलिश ने ट्वीट किया, हाल ही में लूना का लैंड करना आसान नहीं रहा, गॉड स्पीड चंद्रयान 3। लूना के क्रैश होने के बाद से सबकी नजरें चंद्रयान पर टिकी हैं। देश विदेश हर जगह से चंद्रयान 3 को लेकर लोग ट्वीट भी करते नजर आ रहे हैं। भारत का चंद्रयान 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरने को तैयार है। इसरो ने बकायदा सारी जानकारी साझा की है कि कैसे लोग चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। ये सारी बातें इसरो की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। बता दें, चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश सफलतापूर्वक लैंडर उतार नहीं पाया है। रूस से पहले भारत ने पिछले महीने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। यह पृथ्वी और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चांद की सतह के करीब पहुंच चुका है। जब से रूस का लूना 25 सतह पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ, तब से चंद्रयान 3 की चर्चाएं और बढ़ गईं। दुनिया को उम्मीद है कि अपना चंद्रयान 3 इस बार सफलता जरूर हासिल करेगा। चंद्रयान 3 को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।